वेलकम है एक बार आपका फिर से दोपहर फूड में। आज हम बनाएंगे प्याज की चटनी। घर की बनी हुई चटनी बाज़ार से भी ज़्यादा टेस्टी और स्वादिष्ट होती है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे इसको पका के बनाएं। पका के बनाने से फ़ायदा ये होगा कि आप इसको 1.5 से 2 महीने तक फ्रिज में रख सकते हो। जब आपका दिल करे थोड़ा थोड़ा करके इसको खाइए। ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर हो, चटनी हमारे खाने को बिल्कुल कंप्लीट करती है। आप इसको पिज़्ज़ा, पास्ता, भजिया, वड़ा, सलाद, रायता किसी के साथ भी सर्व कर सकते हो। बने रहे हमारी वीडियो पे शुरू से लेकर आखिर तक। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट हम शामिल करते हैं। सबसे पहले लिया है तकरीबन 200 ग्राम प्याज और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और अच्छे से वाश कर लिया। 2 टेबल स्पून देसी घी, 2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक, 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, 1 टेबल स्पून जीरा, 10 से 11 काजू के पीस, ये ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हो। इमली का जूस तकरीबन 4 टेबल स्पून, राई 1 टेबल स्पून, कटे हुए टमाटर तकरीबन 2, ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और 100 ग्राम गुड़, गुड़ से इसका टेस्ट बड़ा ही अच्छा होता है। अब एक ब्लेंडर डाल लेंगे, ये आखिर में यूज़ करेंगे। अब पैन को अच्छे से गर्म कर लिया है। सबसे पहले ऐड करेंगे इसमें कुकिंग ऑयल। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक तेल को अच्छे से गर्म करेंगे। जब हमारा तेल गर्म हो जाए तो सबसे पहले ऐड करेंगे राई और इसको थोड़ा सा हिलाइए जब तक कि इसका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। साथ में ऐड कर लीजिए जीरा। 3 से 4 मिनट तक इसको लो फ्लेम पे फ्राई कीजिए जब तक कि इसका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अब ऐड करेंगे काजू, टमाटर, कटे हुए प्याज। आज इसका बनाने का तरीका बड़ा ही डिफरेंट है। नमक, लाल मिर्च पाउडर, बराबर इसको हिलाते रहिए। तकरीबन 9 से 10 मिनट लो फ्लेम पे इसको पका लीजिए। जब ये पक के तैयार हो जाए और मसाले आपस में अच्छे इसमें मिक्स हो जाए, ये देखिए हमारा प्याज भी थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट हो गया। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन है उसको दबाइए। अब ऐड करेंगे गुड़, इमली का जूस, देसी घी और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक कि गुड़ अच्छे से पेस्ट ना हो जाए। और तकरीबन 4 से 5 मिनट लो फ्लेम पे इसको पका लेंगे। अब ये देखिए हमारा गुड़ इसमें अच्छे से मिक्स हो गए और उसका पेस्ट भी हो गया है। अब पैन को फ्लेम को बंद कर देंगे और ये पेस्ट को ठंडा कर लेंगे। जब पूरी तरीके से ठंडा हो जाए तो इसको ब्लेंडर जार में ट्रांसफ़र करके इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। ये बात ध्यान रखने वाली है कि आप इसको ठंडा करके ही पेस्ट करें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी ये लिंक शेयर कीजिए। देखिए ये लहसुन की चटनी बनके तैयार है। अब आप इसको कोई भी एयर टाइट बॉक्स में रख के फ्रिज में स्टोर कर सकते हो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और भी नई नई रेसिपियाँ लेके आएंगे। धन्यवाद।